नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक नया फैसला दिया है। इस फैसले के तहत अब बेटी को भी पिता की पैतृक संपत्ति पर पूरा पूरा अधिकार होगा, अपने भाई के अधिकार से ना कम होगा ना ज्यादा होगा, समान अधिकार मिलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक एक फैसला आया है और इसके अब क्या कुछ चीजें निकल के आएंगी और क्या कुछ इसके पीछे की डिटेल से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके का ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का पैतृक संपत्ति को लेके, तो सबसे पहले मैं तो आपकी एक प्रतिक्रिया इसमें जानना चाहूंगा कि क्या कुछ है ये। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो समान अधिकार मिले बेटे को बेटियों को, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और जब देश का संविधान बन रहा था उस समय भी ये बात आई थी कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उस समय संविधान सभा के सामने जब ये बात लाई गई तो हिंदुओं ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं और जो हमारे यहाँ की सामाजिक स्थितियां हैं उसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग से बनना चाहिए जी। और उसमें लड़कियों को, चूँकि हम शादी के समय या उनको दहेज के रूप में वो सारा सब कुछ दे देते हैं जिनसे उनका जो बच्चे होते हैं कि उनकी जाके नई फैमिली बस जाए और हमारी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो जाती है, तो इसको लेके संविधान सभा में भी काफ़ी विरोध हुआ था और उसी विरोध के कारण उस समय ये समान अधिकार की बात नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अनुसार माता पिता की प्रॉपर्टी पर संतान का पूरा हक होगा, बराबर का होगा जी। अब इसमें लड़के और लड़कियों का भेद खत्म कर दिया है, तो एक दिशा से यदि समान अधिकार की दृष्टि से हम बात करें तो ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप यदि हम बात करें तो इस फैसले के बाद बहुत सारे सामाजिक और पारिवारिक झगड़ों की एक नई शुरुआत भी होने की संभावना बन गई है। वही मैं आपसे हमें पूछना चाह रहा था कि इस फैसले के बाद सामाजिक व्यवस्था में क्या कुछ परिवर्तन आएंगे और परिवार में अब भाई बहनों के बीच संबंध में क्या कुछ अब खटास आने की ऐसी उम्मीद बताई जाएगी। देखिए, अभी क्या था कि 2005 में जो एक फैसला आया था और उसके बाद से 2005 के बाद से ये फैसला लागू किया गया था कि लड़कियों को भी समान अधिकार होंगे, तो 2005 के बाद से ये स्थितियां बनी कि 15 साल 20 साल में वो बच्ची बड़ी होगी, माता पिता भी अपने सेटल कर लेंगे, भाइयों के बीच में और पिता और सारे परिवार के बीच में एक मानसिकता बन जाएगी, तो वहां तक तो ठीक था। लेकिन अभी जो भूतलक्षी प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नहीं, अब वो बाधा खत्म हो गई और इस सब में समान रूप से उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो लागू होगा, तो ऐसी स्थिति में अब कभी भी शादी हुई हो, पिताजी जिंदा हो नहीं हो, लड़की जिंदा हो नहीं हो, लेकिन उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे में आ जाने के कारण अब उनके बच्चे भी अपना अधिकार जता सकते हैं। तो जब ये अधिकार जताएंगे तो इसको लेके पारिवारिक कलह बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी और बहुत सारे मुकदमेबाजी शुरू होगी और कुछ इस तरीके की स्थितियाँ इस फैसले के बाद बन सकती हैं। ये तो सर, हमने इसकी बात करी फैसले की, तो इसके क्या कुछ उज्जवल पक्ष भी हैं जो निकल के सामने आएंगे? देखिए, समान अधिकार जैसे अभी क्या हो रहा है कि इसको हम अच्छा इसलिए बोलते हैं एक लिहाज से कि इस समय चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों वो अपने खुद के सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं जी। तो अब वो पहली वाली सामाजिक व्यवस्था नहीं रही कि एक बार शादी करके चले गए और उसके बाद फिर हमें कोई लेना देना नहीं है। अब तो एक एक दो दो साल में डाइवोर्स हो रहे हैं और भी दूसरी तरीके से परेशानियां हो रही हैं, तो अब वैवाहिक रिश्ते को लेकर लड़कियां भी उतनी संजीदा नहीं रही कि जैसे पहले हुआ करती थी। तो उस लिहाज से यदि देखें कि वर्तमान परिस्थिति में यदि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि लड़की का डाइवर्स हो गया तो भी वो अपने घर में रहते हुए और अपने परिवार के साथ रहते हुए भी जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो पहले से भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो गया और उसके बाद इस सिस्टम में जो नए नए विवाद पैदा होंगे वो चिंताजनक हैं। अभी तो बहुत अच्छी बात है कि भाई बच्चे जो हैं वो अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो अपने अपने तरीके से जिए। यदि बच्ची भी अपने माँ बाप के घर रह रही है बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज और वो अपने एंजॉय करे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी। ये एक अच्छी दृष्टि है।
लेकिन जो भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया तो अब नाना की प्रॉपर्टी पर अब नाती भी भले उसकी माँ हो या ना हो, उसके पिता हो ना हो, लेकिन अब वो इस तरीके के दावे हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 2005 में जो कानून बना था, संशोधन कानून बना था, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून, उसको लेकर यहाँ पे फैसला हुआ है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो पिता है उसकी बेटी, या पिता एक्सपायर हो चुके हों या बेटी भी एक्सपायर हो चुकी है जैसा कि आपने कहा, तो उनके जो बच्चे हैं ये भी उस पर अधिकार अब जमा सकेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी? नहीं, ये क्या होगा कि इससे जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बड़े खराब होंगे। जी, अब मान लीजिए 40 साल पहले 50 साल पहले किसी की शादी हो गई, अब वो आज की तारीख में यदि अपने भाइयों के पास या अपने पिता के पास जाके कहती है कि हमें संपत्ति पे हिस्सा दो, तो उससे उनके रिश्ते तो टूटेंगे ही, साथ में उनमें विवाद भी बढ़ेगा। और ये विवाद ऐसे समय पे आ रहा है जबकि इसकी मैं समझता हूँ कि सामाजिक व्यवस्था में ये हिंदुओं के बीच में एक बहुत बड़े विघटन और घर घर में झगड़े कराने की स्थितियां अब निर्मित हो जाएंगी इस फैसले के बाद, क्योंकि ये जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है वो अपने अधिकारों के प्रति बड़ी सचेष्ट है, लेकिन अपने कर्तव्यों या रिलेशन को लेके, कि आज के 30 साल पहले जो रिलेशन लोग मेंटेन करते थे, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे नाना हैं, ये हमारी मामी हैं, अब वो रिश्तों में वो वाली महक नहीं रह गई है और सब लोग अपने अपने अधिकारों से बात करने लगेंगे, तो इसमें पारिवारिक संबंध बहुत तेजी के साथ टूटेंगे, झगड़े बढ़ेंगे और जमीन जायदाद के विवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित होगी। सर, जिस तरीके से अरुण मिश्रा ने इसका, जज अरुण मिश्रा ने इसका फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये परिवार को साथ में लाने के लिए है, बेटी को भी समान अधिकार मिलेंगे जैसे कि उसके भाई को मिले हैं, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, तो आप उसमें क्या क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सही है कि बच्चों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो उसे अपने माता पिता की संपत्ति पे समान अधिकार होने चाहिए, तो उन्हें उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे में ला के कि सबको समान अधिकार मिले, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2005 तक जब ये लागू हुआ था तब से भी आज तक कोई दिक्कत इसलिए नहीं रही कि अब जो बच्चे 2005 के बाद पैदा हुए, बड़े हुए, उनके अधिकार सुनिश्चित हो गए और माँ बाप भी उसके लिए तैयार हो गए, भाई बहन भी उनके आपस में तैयार थे कि भाई ये होगा तो आगे ऐसा होगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बना ली थी, लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें ये अधिकार पुराने तारीखों से भी लागू हो गए हैं, तो उन पुरानी तारीखों से लागू होने के बाद अब जो हर घर परिवार में इसको लेके कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि जो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं और उन्हें मान लो नहीं मिला था और आज वो समझते हैं कि मुझे चाहिए तो वो लड़के लेने की कोशिश करेंगे और ये अच्छी स्थिति नहीं है। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, ये है मेरा प्रश्न कि जैसे यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकार कानून एक बना है, मुस्लिम लॉ का कानून अलग बना है, ऐसे बहुत सारे सामाजिक व्यवस्था में अलग अलग कानून हैं जिनको लेकर फैसला सुनाया जाता है, तो आप ये नहीं सोचते कि एक समान कानून यहाँ पे बनना चाहिए? देखिए, प्रयास यही हो रहा है, जब देश स्वतंत्र हुआ था और संविधान सभा ने जब इनके बारे में बात की तो सबको समान अधिकार दिए गए, सबके मौलिक अधिकार एक से हैं, लेकिन उस समय धार्मिक आधार पर और सामाजिक आधार पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, इसको हम अपने धर्म पे हस्तक्षेप मानते हैं, हम अपनी सामाजिक व्यवस्था पे हस्तक्षेप मानते हैं, तो इसका अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। तो उस समय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग बन गया, मुस्लिम लॉ अलग बन गए, ईसाइयों के लिए अलग बन गए, सबने अपने अपने हिसाब से परंपराओं के हिसाब से बना लिए थे। लेकिन अब पिछले 70-72 सालों में धीरे धीरे जिस तरीके से विकास हुआ और इनके कॉम्प्लिकेशन सामने आए, तो कॉम्प्लिकेशन सामने आए, लोग अधिकारों के प्रति अपने सजेस्ट हुए, दूसरी तीसरी पीढ़ी जो अभी स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई है और वो जब आ रही है तो उसके दिमाग में अलग अलग तरीके की बातें होती हैं और वो अपने अधिकार को जताने की बात करते हैं, तो अब सरकार भी चाहती है कि समान अधिकार सबके ऊपर एक से लागू हों। अब ये करना भारत में अभी भी संभव नहीं है, नहीं है। हाँ। जैसे 370 की बात आई थी कि यहाँ पर अलग कानून, वहाँ पर अलग कानून, ये नहीं चलेगा, तो सबके लिए एक से समान कानून होने चाहिए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ की धार्मिक और जाति व्यवस्थाएं हैं तो ये कहते हैं कि इनको एकदम से सुलझा पाना या इनको एक दायरे में ला पाना शायद किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है,
ये तब भी नहीं था जब स्वतंत्रता के बाद के नेता थे, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी और संविधान तैयार हो रहा था, तब भी बहुत प्रयास किए गए और काफी लंबी लंबी बहस चली, लेकिन उसके बाद भी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी भारत की कि लोगों ने उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। अब ये जैसे ये सरकार दिशा बढ़ा रही है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन धीरे धीरे ही हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो अभी एक नया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये कोई जरूरी नहीं कि 2005 के पहले ये लागू नहीं होगा, तो 2005 के पहले वालों को भी अभी ये समान अधिकार मिल जाने से इस बीच में जो कुछ हो चुका है उसको लेके अब फिर से एक विवाद की स्थिति बनेगी। और अभी भी मतलब हम टुकड़े टुकड़े में संशोधन कर रहे हैं तो उसके कारण अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। या तो एक ही बार खत्म करना चाहिए कि भारत के नागरिक हैं, सबके ऊपर समान कानून लागू होंगे, तो वो सारे समान कानून सबके लिए उत्तराधिकार के कानून ही होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करेंगे, तो हमने वोटिंग राइट दिए तो हमने इस आधार पर नहीं दिए कि लड़की को नहीं मिलेगा या लड़के को मिलेगा। तो ऐसे ही संपत्ति के अधिकार, धार्मिक आधार पर जो प्रिविलेज दिए जाते हैं, तो या तो वो सबको एक साथ दिए जाए, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े में हो रहा है इसके कारण मुकदमेबाजी बढ़ रही है, लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, और जब इस समय तो और भी स्थिति है कि रिश्ते तो खत्म हो गए, अब सारी सेल्फिशनेस आ गई, हम अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि ये लागू होगा तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां सामने देखने को मिलेंगी। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित थे प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि एक्चुअली ये जो संपत्ति कानून है, संशोधन कानून है, वो है क्या और उसके क्या कुछ आगामी भविष्य में असर मिलेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।